रहीम के दोहे तो आपने काफ़ी सुने होंगे, तो आज मैं ले चलती हूँ आपको उनकी टूम पर। ये टूम 16 सेंचुरी में मुगल एरा के टाइम पे बना था और ये सिचुएटेड है निज़ामुद्दीन ईस्ट दिल्ली में, और ये हुमायूं टूम और हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के काफ़ी करीब है। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खन खनन और ये मुग़ल एम्परर अकबर के टाइम के काफ़ी मशहूर पोएट थे। और क्या ये बात आप जानते हैं कि ताजमहल जब बनाया जा रहा था तो उसकी आर्किटेक्ट की इंस्पिरेशन दिल्ली के दो मॉन्यूमेंट से ली गई थी, जो कि है बहुत ही मशहूर हुमायूं टूम और दूसरा है टूम ऑफ रहीम, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और इस टूम की खास बात यह है कि ये पहला ऐसा मॉन्यूमेंट था जो मुग़ल टाइम में किसी ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, और इसी से प्रेरणा लेते हुए शाहजहाँ ने ये अपने बेगम के लिए ताजमहल की संरचना की थी। अब्दुल रहीम ने ये टूम 1598 में अपनी बेगम के लिए बनवाया था और उसके कुछ ही सालों बाद 1627 में उनके देहांत के बाद उनका पार्थिव शरीर उनकी बेगम के साथ ही यहाँ पे दफना दिया गया था। 2014 में ASI ने इस टूम का रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट किया था और इसे करने में उनको पूरे 6 साल का समय लग गया, और ये इसी साल दिसंबर 2020 में ये आम जनता के लिए खुल गया है। यहाँ पे आने की एंट्री अडल्ट की 20 रुपीज़ है और चिल्ड्रंस के लिए ये बिल्कुल फ्री है, पर इसकी टिकट आपको पहले से ऑनलाइन लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कैश में आप इसकी टिकट नहीं खरीद सकते। ये टूम हफ्ते के 7ों दिन खुला रहता है, उसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो दिल्ली में अगर आप एक ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ बहुत ही पीसफुल आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि इस मॉन्यूमेंट के आसपास बहुत ही अच्छा गार्डन है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छा समय बिता सकते हैं। और इस मॉन्यूमेंट के अंदर जब हम जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन वॉल बनाया हुआ है जहाँ पर आपको इस टूम से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस मॉन्यूमेंट का टूर ले लेते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।